गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बेसिकली ये व्लॉग नहीं है, बहुत सारे बच्चों के कुछ क्वेश्चंस आ रखे थे काउंसलिंग के रिगार्डिंग, तो उन सभी क्वेश्चंस को लेने की इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है। तो चलो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि YMCA में एडमिशन लेने के लिए क्या करना होता है। हरियाणा की काउंसलिंग होती है YMCA में एडमिशन लेने के लिए, वो HSTES पे आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। उसके बाद दो ऑफलाइन काउंसलिंग होती हैं, तो उसमें आप बीटेक में एडमिशन ले सकते हो YMCA में। वो तो आपको वैसे भी नॉर्मली पता ही होगा, बाकी जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूँ कि अगर YMCA में आपका एडमिशन लेना है तो इसकी काउंसलिंग जोसा या फिर CSAB कोई नहीं करवाता है, इसकी काउंसलिंग करवाती है हरियाणा सरकार, जो कि HSTES के द्वारा होती है। HSTES पे ऑनलाइन फॉर्म्स निकलेंगे, वो आपको भरने पड़ेंगे। HSTES बेसिकली ऑनलाइन ऑनलाइन काउंसलिंग है, तो ऑनलाइन काउंसलिंग में आपको जो भी ब्रांच जहाँ पे भी जिस भी कॉलेज में अलॉट होगी, आपको सीक्वेंस वाइज कॉलेज भरने पड़ेंगे, उसमें ब्रांच वाइज और जो भी आपकी चॉइस है उसके अकॉर्डिंग। फिर जो भी आपको कॉलेज अलॉट होगा वहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। उसके अलावा हर कॉलेज की अलग अलग फिजिकल काउंसलिंग होती है, जैसे YMCA की भी दो फिजिकल काउंसलिंग हुई थी पिछली बार भी और अब की बार भी होंगी। वो होती हैं जो कि लेफ़्ट ओवर सीट्स होती हैं ऑनलाइन काउंसलिंग में, कुछ सीट कैंसिल हो जाती हैं, कुछ बच जाती हैं, तो उनको फिल करने के लिए होती हैं। तो मेरे को भी फिजिकल काउंसलिंग में ही मिला था IT, पहले मेरे को यहाँ पे रोबोटिक्स एंड AI मिली थी जो कि मैंने IT से ऊपर भर दी थी ऑनलाइन काउंसलिंग में, तो मेरे को वो अलॉट होगी। फिर मेरे को बाद में पता चला कि RAI तो मैकेनिकल की ब्रांच है, तो फिर वो कैंसिल करके मैंने फिजिकल काउंसलिंग में मेरे को IT भी मिली थी, उसके बाद CS मिली थी, लेकिन मैंने IT ही प्रेफर करा, तो मैंने IT ले ली। तो ऐसे ही आप भी काउंसलिंग कर सकते हैं फिजिकल काउंसलिंग YMCA में एडमिशन लेने के लिए। एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा गया था वो था कि YMCA में किसी जैक जुगाड़ से एडमिशन हो सकता है क्या। तो भाई मेरे हिसाब से तो नहीं होता यार, बाकी अगर तुम्हारा हो रहा है तो करवा लो, बहुत ही बढ़िया बात है अगर जैक जुगाड़ से हो जाता है तो। बाकी मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने पूरी काउंसलिंग करी है फिजिकल काउंसलिंग, मुझे पता है, क्योंकि फिजिकल काउंसलिंग क्या होता है, रैंक के अकॉर्डिंग वहाँ पर नंबर्स जनरेट होते हैं। तो जैसे मेरा नंबर था, मेरी रैंक के अकॉर्डिंग मेरे को 98 वाला नंबर मिला था, 92 शायद 98 मिला था। तो सीक्वेंस वाइज ही बच्चों को बुलाते हैं और वहाँ पे जैसे जैसे सीट्स बची हुई होती हैं ऐसे ऐसे फिल करते जाते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो शायद मुश्किल है किसी जगह जो वार्ड से एडमिशन लेना, बाकी भाई कुछ कह नहीं सकते यार, पैसा सब कुछ है, ऐसा भी हो सकता है, मतलब पैसे सब कुछ, सब कुछ हो सकता है, मतलब बहुत कुछ हो सकता है ये कह सकते हैं हम। और तो बाकी यही है कि अगर किसी का हो रहा है तो भाई, लेकिन धोखाधड़ी से बच के भी रहना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो बंदे एडमिशन करा रखे होते हैं दलाल वलाल, वो पैसे ले लेते हैं और एडमिशन फिर मिल नहीं पाता आपको, और आपके पैसे फंस जाते हैं, आप कहीं के नहीं रहते, ना तो पैसों के ना कॉलेज के। तो वो सब आप देख लेना भाई, बाकी अगर किसी को कोई पर्सनल जगह जो गार्ड है तो भाई बढ़िया है यार, जिसका है तो लगाओ। बाकी मेरा अकॉर्डिंग तो शायद ही नहीं चलता, क्योंकि मेरे सामने तो कोई ऐसा चला नहीं था, बाकी हो भी सकता है अगर कोई चला चले तो बढ़िया है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे आया था कि भाई ये बता दो कि कहाँ तक, मतलब कितनी रैंक तक मिल जाती है कंप्यूटर साइंस IT और बाकी फर्दर ब्रांचेस। तो भाई वो मैं आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूँ, कंप्यूटर साइंस मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अगर आपका एडमिशन लेना है तो वो बेसिकली आप ये समझ लो अराउंड अराउंड 40,000 पे क्लोजिंग उसकी हो जाती है, और अगर IT में लेना है तो 50,000 समझ लो IT में, लास्ट काउंसलिंग तक ही बता रहा हूँ, और कई बार चांसेस अच्छे रहे तो वो 2-4 हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इतना ही होता है, ज़्यादा नहीं होता। तो कंप्यूटर साइंस में अगर चाहिए तो अराउंड अराउंड 40,000, 40 to 45 समझ लो, IT में चाहिए तो 50 to 55 समझ लो, उसके बाद फिर ENC में 60 to 65, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर जो होती है, उसके बाद हमारी होती है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, उसमें भी 65 to 75 कुछ ऐसा समझ लो। और उसके बाद एक ब्रांच होती है इलेक्ट्रॉनिक्स करके, IoT जो होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसमें मिल सकता है आपको 80 to 85 और 90 भी पहुंच जाता है कभी कभी। और उसके बाद फिर हमारी रोबोटिक्स एंड AI, हाँ वो भी उसका भी IoT की तरह ही होता है, 95 तक, मतलब 80 to 90 और 95 RAI में आपको मिल सकता है। उसके बाद हमारा है मैकेनिकल वगैरह, सॉरी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल में भी यही है कि 95 to 1 लाख भी मिल जाती है कई बार, अगर फिजिकल काउंसलिंग में अगर आप हो तो 1 लाख तक भी चांसेस हैं। और ये सभी जो मैंने बताया ये सभी जनरल के लिए है, मतलब कंसिडरिंग जनरल कैटेगरी, ये सभी मैंने रैंक बताई हैं, बाकी जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ है वो आप YMCA की ऑफिशियल साइट पे देख सकते हैं, HSTES पे देख सकते हैं, बेसिकली वहाँ पे सारी कट ऑफ्स आ जाती हैं पिछले साल की, जितने भी कैटेगरी वाइज गया या फिर जितना भी गया। और वो एक और वेबसाइट है कॉलेज प्रवेश के नाम से, कॉलेज प्रवेश पे आप YMCA की पिछले साल की कट ऑफ्स देख सकते हैं, वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है।
और उसके अलावा जो बची हमारे मैकेनिकल ब्रांच, तो मैकेनिकल अराउंड अराउंड ये समझ लो 1,20,000 तक मिल सकती है, मतलब 1,20,000 फॉर जनरल आई थिंक। सो इतना गया होगा। बाकी कंप्यूटर और आईटी और ईएनसी का मैंने आपको बता दिया एग्जैक्ट, जो कि होता है यहीं यहीं कर होता है, कहीं किस्मत अच्छी आई तो 2,000-4,000 ऊपर नीचे हो सकता है फिजिकल काउंसलिंग में। अगर कोई सीट लेफ्ट ओवर हो जाती है तो वो भर जाती है फिर उससे बढ़िया रैंक पे भी। और कई बार होता है कि कोई बंदा नहीं आ रखा होता लास्ट काउंसलिंग में तो उसकी सीट कैंसिल हो जाती है, किसी ने फ़ी पे नहीं करी होती है तो उसकी सीट कैंसिल हो जाती है, फिर उसके बाद जो बंदा होता है जिसको कुछ और ब्रांच मिल रखी होती है उसकी ब्रांच अपग्रेड होकर उसको अच्छी ब्रांच मिल जाती है, तो ऐसा होता है भाई। तो कंप्यूटर और आईटी का मैंने आपको बता दिया अराउंड अराउंड, कंप्यूटर साइंस की ये समझ लो 40 पे और 45 पे क्लोजिंग हो सक्ती है और आईटी की 50-55 क्लोजिंग हो जाती है अगर किस्मत अच्छी रही तो। वही मैं बार 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 कह रहा हूँ कि अगर किस्मत बढ़िया रही तो भाई कुछ भी हो सकता है। बाकी काउंसलिंग करें HSTES पे और होप फॉर द बेस्ट, आपको आपकी रैंक पे बेस्ट कॉलेज मिले ऐसा होप करता हूँ मैं। और काउंसलिंग करो यार, क्योंकि अगर आप पहले से ये सोच के चलोगे कि भाई यार इतनी रैंक आई है अब मिलेगा या नहीं मिलेगा तो भाई वो तो बेकार है, बिना काउंसलिंग के तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो काउंसलिंग करो, HSTES पे भी काउंसलिंग करो, YMCA और भी बहुत सारे कॉलेज हैं, डी क्रस्ट है, दीन बंधु छोटूराम, और भी MDU रोहतक है, GJU है, तो बहुत सारे हरियाणा के अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। लेकिन करो समय काउंसलिंग, अगर कहीं नहीं मिला तो कहीं तो मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, अच्छी ब्रांचेज है, ब्रांचेज रेफ़र करो तो कोई दिक्कत नहीं है। और काउंसलिंग करो बेसिकली, उसकी भी क्या नाम है, जोसा की काउंसलिंग भी करो जिसमें NITs, अगर आपकी रैंक बहुत ही अच्छी है। वैसा मैं प्रेफर करूँगा कि अगर आपकी रैंक 30 से नीचे नीचे है, जैसे कि मतलब 25-26, तो आप NITs या IITs की तरफ जा सकते हो। एक चांस हो सकता है कि अगर आपकी रैंक अच्छी है, मतलब अराउंड अराउंड 20,000, 25, 27 ऐसी आपकी रैंक है, उन रैंकस, ऐसी बात नहीं है कि उन रैंक्स पे YMCA में बच्चे नहीं आते, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि हमारे साथ भी पढ़ते हैं, हमारी क्लास में भी दो चार बच्चे ऐसे हैं जिनकी रैंक थी 26-27 हज़ार, एक बच्चा है उसकी रैंक थी 23 हज़ार, जो कि फिर भी IT में है, YMCA में है। तो ऐसी बात नहीं है कि इन रैंक्स पे हर कोई बच्चा NIT या IIIT प्रेफर करता है, तो YMCA भी कई बार प्रेफर कर लेता है, अच्छी कट ऑफ सॉरी अच्छी प्लेसमेंट्स YMCA से मिल जाती हैं, तो इस वजह से बच्चा यहाँ से भी प्रेफर कर सकता है। बाकी वो तो आपकी पर्सनल चॉइस है कि अगर आपको टैग चाहिए NIT का या IIIT का तो आप वहाँ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही था, बाकी अगर आपकी रैंक्स 30,000 से नीचे नीचे तो आप कोशिश कर सकते हो कि आप IIIT ले सकते हो। और IIIT में ये ध्यान रखना, एक गलती जो मैंने करी थी ना भाई, IIIT और NIT ना ली मैंने, शायद वो मैं कई बार मतलब ऐसा भी होता है कि यार गलती थी भी और नहीं भी थी, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि आप लास्ट काउंसलिंग तक जाना जो उसमें होती है ना, जोसा पहले तो काउंसलिंग होती है, जोसा की 6 राउंड्स होते हैं, उसके बाद होती है जो CSAB काउंसलिंग, तो CSAB काउंसलिंग में बिल्कुल आप पार्टिसिपेट करना, मैं मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि उसमें बहुत लास्ट तक आपको कॉलेजेस मिल जाते हैं। जैसे कि अगर मैं जो CSAB में पार्टिसिपेट करता तो मेरे को IIIT ऊना में इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रही थी, IIIT नागपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रही थी, और IIIT भागलपुर में कंप्यूटर साइंस मिल रही थी, रांची में इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रही थी, IIIT रांची में, बहुत सारी NITs NIT पटना में, NIT पटना में बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रही थी। तो ये चीज़ ध्यान रखना यार कि लास्ट काउंसलिंग तक आपको स्टे करना है और थोड़ा सा मतलब पेशेंस बना के रखनी है, कॉलेज तो मिल जाएगा यार, मतलब अगर आपकी रैंक थोड़ी ठीक ठाक भी है ना तो कॉलेज मिल ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो काउंसलिंग करो बेसिकली, कहने का मतलब मेरा ये है, और मिल जाएगा आपको बढ़िया कॉलेज, ट्राई करना, अगर आपकी रैंक बहुत ही बढ़िया है तो आप जोसा और CSAB तक भी लास्ट में जाना, घबराना नहीं है। कई बार ऐसा हो जाता है कि जोसा में एक भी वो नहीं मिलती है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो गया था, मेरे को बिल्कुल 5 राउंड्स में कुछ नहीं मिला था, लास्ट राउंड में मेरे को मिली थी वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उससे पहले मैंने KG के पैसे भर दिए थे, जैसे HSTES में पैसे चले जाते। तो हाँ, ये चीज़ भी ज़रूर ध्यान रखना, मनी मैनेजमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने HSTES की काउंसलिंग करी, अब HSTES की काउंसलिंग में आपका YMCA में जैसे नंबर आ गया, आपने सीट अलॉट करवाने के लिए पूरी फ़ी पे कर दी। पहले ऐसा होता था कि सीट अलॉट करवाने के लिए सिर्फ 10,000 रुपये जाते थे, वो भी रिफंड हो जाते थे, लेकिन अब की बार ऐसा होता भाई पैसे जाते हैं, पूरी सेमेस्टर फीस जाती है। मेरी भी सेमेस्टर फीस गई थी 58,000 रुपये YMCA में, जो कि रिफंड तो हो जाती है लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाता, 6-7 महीने, उसके चक्कर में मनी हमारे जो फंस जाती है, मतलब पैसे एक जगह फंस जाते हैं तो फिर हम दूसरी जगह कहीं काउंसलिंग नहीं कर पाते। यही मेरे साथ हुआ था, मैंने क्या किया था, मेरे को पहले दीन बंधु छोटूराम में सीट अलॉट हुई थी, मैंने वहाँ पे एडमिशन ले लिया, यही डर था मेरे को भी एज अ फ्रेशर कि भाई कहीं और ना मिले तो कहीं तो मिल जाए, तो फिर मैंने वहाँ पे पैसे भर दिए 45,000 रुपये। उसके बाद मेरे को YMCA में मिल गई, मैंने YMCA में पैसे भर दिए, अब मेरे 1,50,000-1,50,000 रुपये फंस गए, तो फिर उसके बाद मैं काउंसलिंग नहीं कर पाया आगे CSAB की।
मतलब फिर वही रहता है, घर वालों ने तो मना नहीं करी थी, घर वाले बोल रहे थे भाई कोई भी दिक्कत नहीं तो अपना काउंसलिंग कर, लेकिन फिर भी खुद से सोचना पड़ता है यार कि यार इतना पैसा लग गया, अगर कहीं भी नहीं मिला तो फिर पैसे फंस जाएंगे, क्योंकि हर जगह से एक एक दो दो हज़ार रुपये कट के ही रिफंड होते हैं, लेकिन हो जाते हैं रिफंड, अगर आपको ये लग रहा है ना कि रिफंड नहीं होते, हो जाते हैं। तो भाई ये थी आज की वीडियो, आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस लेने की कोशिश करी है, और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम की लिंक मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। कोई भी अगर आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग डाउट हो, YMCA में एडमिशन के रिगार्डिंग कोई डाउट हो या फिर और कोई डाउट हो काउंसलिंग के रिगार्डिंग, जो कि मुझे शायद मतलब मुझे नहीं भी पता हो, मैं थोड़ा रिसर्च करके बता दूंगा। बाकी मनीष है, सागर है, उनके कॉलेजेस के रिगार्डिंग भी आपको अगर कुछ पूछना है, IIT के रिगार्डिंग पूछना है, IIIT के रिगार्डिंग पूछना है, तो हमारे पास पूरे बंदे हैं भाई। मनीष IIIT के रिगार्डिंग आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा, IIT के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन सागर दीक्षित दे देगा, और हरियाणा के रिगार्डिंग तो मैं बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई अपना दो तीन दिन से व्लॉग नहीं आ पा रहा था मेरा, क्योंकि मेरे पेपर चल रहे थे, अभी मैं कल भी दिल्ली पेपर दे के आया हूँ NTPEL का, जो कि फालतू के कोर्सेज हैं, BTech में बिना मतलब के दे दिए जाते हैं। भाई तुम सबको भी जो भी BTech में एडमिशन ले रहे हो, उन सभी को वो कोर्सेज लेने पड़ेंगे अर्जेंट, क्योंकि उनके बिना डिग्री मिलती नहीं है बेसिकली। और तो मेरा कोर्स तो एयर पोल्यूशन का था, अब तुम खुद बताओ कि IT ब्रांच में पढ़ने के बाद एयर पोल्यूशन का क्या मतलब है यार है? तो ये फालतू के कोर्सेज थे, और तो क्या ही बोला जाए इनके बारे में। और कल पूरा दिन बिजी था इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाए, आज थोड़ा क्लासेज से हम फ्री हो चुके हैं, तो शाम को एक EGD क्लास, उसकी सीट मैंने बनाई नहीं है, उसकी सीट बैठ के बनाता हूँ अभी, और उसके बाद थोड़ा सा कुछ रिकॉर्ड करते हैं। चलो ठीक है फिर। और बहुत से जो हमारे फ्रेशर्स हैं उनकी डिमांड आई थी, बेसिकली उन्होंने बोला था मेरे से पर्सनली कि भाई एक बार और अच्छे से YMCA का कैंपस टूर हमें दिखा दो, तो वो भी मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक दो दिन में वो YMCA का कैंपस टूर भी प्रॉपर बना के डाल दूँ, तो उसके लिए अभी तैयार हैं हम, आप भी तैयार रहें, YMCA का कैंपस टूर बहुत ही जल्दी आ जाएगा, स्टे कनेक्टेड। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।